हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी अभी मैट्रिक हिंदी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वायरल हो गया है, तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लो और आंसर को जल्दी से लिख लो क्योंकि आपका 2 बजे से एग्जाम है, तो आप याद भी कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अंबेडकर ने जो है भारत को बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति को माना, ए जो इसका है क्या है राइट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा, यानी बी जो भी इसका भी है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्राज किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यतीन मिश्र जी का है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। चार नंबर क्वेश्चन आपका है, बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो बीस के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र आपका कौन है, तो राज खोखा है, तो सी जो क्या है राइट आंसर है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में जो हमेशा जो है झोपड़ी का जीत होता है। ठीक है, तो बी जो आपका क्या है राइट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत जो आपका कहाँ बसता है, तो आपका गाँव में बसता है। ठीक है, तो ए जो क्या है राइट आंसर है। फ्रेंड जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत से हम क्यों सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखा रेखा चित्र, डी जो क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाला लोगों को क्या कहते हैं? तो दूसरों के इशारों पर जो भटकता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मूड बोलते हैं, सी जो क्या है राइट आंसर है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल्हेम मुलर, यानी सी जो क्या है राइट आंसर। ठीक है, कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कंट और केन का जर्मन भाषा में जो किसने अनुवाद किया, तो 10 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मैक्स मुलर ने कहते। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेट कोड जे का है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, 11 का जो आपका है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, वाष्प निकल रहा है, तो आपका बी जो क्या है राइट आंसर है। ठीक है, बी जो आपका क्या है राइट आंसर है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सर्व प्लस उत्तम, यानी सर्वोत्तम, सी जो क्या है राइट आंसर। ठीक है, अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, तो सी जो क्या है राइट आंसर हो गया 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है राइट आंसर, क्रोध को दबाना, यानी क्रोध जो आ रहा है उसको जो है दबाना, यानी गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ हो गया क्रोध का दबाना, बी जो क्या हो गया राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार कौन, रामविलास शर्मा है, ए जो क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो 15 का राइट आंसर क्या है, यतीन मिश्र जी का है। ठीक है, तो सी जो क्या है राइट आंसर है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो आपका जन्म हुआ था आपका 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ, तो बी जो क्या है राइट आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक आपके कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, विनोद कुमार शुक्ला, यानी सी जो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या है, तो आपका क्या होगा, बेइज्जती करना, यानी बेइज्जत करना, बी जो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुप्त का विलोम शब्द आपसे पूछे, यानी गुप्त मतलब क्या होता है, दिखाना, नहीं दिखाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिखाना। ठीक है, यानी गुप्त मतलब क्या होता है, छुपाना मतलब, तो गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, दिखाना, ये जो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, पधामर, बी जो आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपका कौन सा समास है, तो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, सी जो क्या होगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, लड़का आया था कौन काल है? तो लड़का आया था तो आपका भूतकाल हो गया। ठीक है, तो बी जो इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आम होगा, डी जो इसका क्या होगा राइट आंसर है। ठीक है, डी, तो इसका जो आपका डी राइट आंसर। ठीक है, धनहीन में जो है कौन सा समास है? तो धनहीन में आपका कौन सा समास है, तो आपका धनहीन में आपका क्या हो गया, धन से हीन, तो नहीं आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, तो सी जो आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है,
माता पिता में आपका कौन सा समास है? तो माता पिता में आपका कौन सा समास है, तो आपका माता पिता में हो गया द्वंद्व समास। फ्रेंड्स कल का सेट हम कराए थे ये सब क्वेश्चन जो आपका कल के सेट में भी आपको मिला था, ठीक है। द्विगु समास का आपका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि संख्या के पहले जो है संख्यावाचक, किसी शब्द के पहले जो है संख्यावाचक शब्द आता है, ठीक है, तो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। जैसे सप्ताह हो गया, नवरात्रि वगैरह ये सब हो गया, तो सब क्या हो गया द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। और द्वंद्व समास में आपको हो गया माता पिता, ये सब दोनों पद इसमें जो है द्वंद्व समास में जो प्रधान होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के जो है पहले लगता है, तो आपका उपसर्ग कौन सा हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। कल क्वेश्चन को फ्रेंड्स बताया थे, ठीक है। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो बी जो इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब पूज्य किसकी रचना है? तो जब पूज्य जो है किसका रचना है, तो 28 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब पूज्य जो है किसका रचना है आपका है रहीम का है, ठीक है। तो बी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी का विद्या कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कविता है, ठीक है। तो सी जो क्या है राइट आंसर है, ठीक है। विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला जो है किसकी रचना है, तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो रसखान का है, ये जो आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, घनानंद का जन्म जो है कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म आपका कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म हुआ था 1683 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपके आसपास के वैल्यू दिया हुआ था आपका 1682 ईस्वी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका घनानंद का जन्म होता 1683 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको फ्रेंड। 32 क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्वदेशी कविता किससे संबंधित है, संकलित है? स्वदेशी कविता जो किससे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्व से संबंधित, ठीक है। ए जो किस किसका है राइट आंसर है, ठीक है। 32 का दही वाला मंगम्मा किस भाषा से अनुनित कहानी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिल। डी जो क्या है राइट आंसर है, ठीक है। अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है पहचान यानी अस्तित्व, ठीक है। ए जो क्या है राइट आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन सभी में जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है, चारों में तो है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो आपका ये जो इसका राइट आंसर, ठीक है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो ये जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, संज्ञा के कितने भेद होते? तो संज्ञा के कितने भेद होते, 5 भेद होते, ठीक है, याद रखिएगा। सी जो इसका राइट आंसर है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे, एक अंग्रेजी लेखक थे। बी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी गुनाकर मूल्य थे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहनाई, ठीक है। तो सहनाई जो है राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था सहनाई। 40 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी जो है किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुनाकर मूल्य का है, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है अशोक वाजपेयी जी का रचना है, ठीक है।